इस मूवी के स्टार्ट होता है मैक्सिम की बचपन की एक वीडियो को दिखाते हुए, जिसमें वो चर्च के लिए डांस परफॉर्मेंस कर रही थी और अब प्रेजेंट में वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। उसी के चलते आज वो डायरेक्टर को ऑडिशन देने के लिए आई है। मैक्सिम का ये ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है क्योंकि डायरेक्टर को मैक्सिम की एक्टिंग, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड सब बहुत पसंद आया था। ऑडिशन देने के बाद मैक्सिम अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाती है और पहुँचते हैं अपने गांव पर। यहाँ पर उसके क्लीग उसे हॉलीवुड में होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए मैक्सिम इनकार कर देती है और सीन शूट करने के लिए चली जाती है। सीन शूट करके जैसे ही वो वापस आई तो उसे उसके मैनेजर की कॉल आई, जिसने उसे ये खुशखबरी दी कि जिस मूवी के लिए वो ऑडिशन देके आई थी फाइनली वो मूवी उसे मिल चुकी है। ये बात वो फौरन जाकर अपने एक दोस्त को बताती है, जिसकी शॉप उसके अपार्टमेंट के ठीक नीचे है। उसका दोस्त भी ये खबर सुनकर उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अभी वो ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती थी क्योंकि अभी उसे कहीं और जाना था। वो एक ऐसी जगह चाहती है जहाँ उसे लाइव डांस करना था। वो एक खाली कमरे में डांस कर रही थी, उसके सामने एक मिरर लगा हुआ था जिसके पीछे से दूसरा इंसान तो उसे देख पा रहा था लेकिन मैक्सिम उसे नहीं देख पा रही थी। मैक्सिम को डांस करता दिखते हुए ये लेदर के कपड़े पहना हुआ आदमी ऐसे गुस्से से पागल हो रहा था जैसे उसका बस ना चल रहा हो। वो इस मिरर को तोड़ कर मैक्सिम को मार दी। एयर डांस करके मैक्सिम यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ अपनी एक और क्लिक मिल जाती है, जो उसे उसी पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी जिसके लिए पहले उसे उसकी क्लिक ने इनवाइट किया था हॉलीवुड हिल्स वाली पार्टी के लिए। फिर अब वो घर के लिए निकल जाती है। रात गहरी थी लेकिन वो ऐसे कॉन्फिडेंस से चल रही थी जैसे उसे कोई डर ना हो। ऐसे ही चलते हुए एक अंधेरी गली में एक आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। मैक्सिम डरती रही, उसके पीछे से पुलिस की कार भी घुस रही लेकिन मैक्सिम ने चिल्ला कर मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया। उसके पास एक गन थी, उसने गन निकाली और उस आदमी को गन पॉइंट पे ले गया। वो क्या मैक्सिम को डराने की इरादे से खड़ा था, बेचारा खुद डर गया। मैक्सिम ने गन पॉइंट पे उसके कपड़े उतारे और फिर अपनी हील से उसके जिस्म के कई हिस्सों को क्रश करते हुए आगे बढ़ गई। जाते हुए उसने साथ में से कहा, इससे पहले जब किसी ने मुझे ऐसे ही मारने की कोशिश की थी तो मैंने उसका सर कुचल दिया था। घर आने के बाद वो रात में अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखती है और सो जाते हैं। आधी रात में उसकी घर डोर बेल बजती है। वो देखने के लिए बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। किसी ने उसके डोर के बाहर एक इनवेलप रखा था, जो रखते ही वो आदमी लिफ्ट के जरिए यहाँ से भाग गया। इनवेलप को लेकर मैक्सिम घर आ गई। उसके अंदर से एक टेप निकली जिसे छिनाने पर उसे अपनी ही मूवी इसके अंदर नजर आई। इसके अंदर बहुत से एडल्ट सीन्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। खैर इसके बाद हम मैक्सिम की दोनों कलीग से मिलते हैं जो हॉलीवुड हिल्स वाली पार्टी में गई थी, जिस पार्टी में उन्होंने मैक्सिम को भी इनवाइट किया था। इसी पार्टी से इन दोनों को किडनैप कर लिया गया और अब इनकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांध के इनकी वीडियो बनाई जा रही थी। ये सब वही लेदर के कपड़े पहना हुआ आदमी कर रहा था। अगली सुबह मैक्सिम स्टूडियो जाती है। उसकी पहली मूवी जो उससे मिली थी वो हॉरर मूवी थी, जिसके लिए उसे बहुत से गेटअप चेंज करने थे और अब उसके फेस मास्क बनाने की तैयारी चल रही थी। इसी काम के लिए उसके फेस पे बहुत सारी वैक्स लगाई गई थी और अब उसे काफी देर तक आंखें और मुंह बंद करके रखना था। उसे जैसे ही आंखें बंद की उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके पीछे सच में कोई भूत आ गया हो, जैसे वो भूत उसकी गर्दन पे हाथ रख के उसे मारने वाला हो। वो दम घुट कर मर ही जाती लेकिन उससे पहले ही वो अपने मुंह से वैक्स साफ करके सांस ले लेती है। सीन कट होकर हमें एक पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो पुलिस डिटेक्टिव आए हैं क्योंकि इस पूल के अंदर से दो लाशें मिली हैं। ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि मैक्सिम के कलीग्स की हैं, जिनको मारने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा सिंबल भी बनाया गया था। यहाँ मैक्सिम भी अपने काम से फ्री होकर जैसे ही घर जाने के लिए कार में बैठती है तो उसे अपने कान में किसी का कार्ड मिलता है। उस पे एक नंबर लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि अच्छा होगा हम अगर बात कर ले। ना चाहते हुए भी मैक्सिम वो नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ जो कोई भी बोल रहा था उसने मैक्सिम को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। ये एक पर्सनल डिटेक्टिव था जो लोगों से पैसे लेकर उनके मकसद के लिए जासूसी करते थे। शाम में मैक्सिम इस आदमी से मिलने के लिए जाती है और यह आदमी उसे बताता है कि जो मुझसे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था वो अब तुमसे मिलना चाहता है और अगर तुम ना मिली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पिछले किए हुए सभी गलत कामों को वो एक्सपोज कर देगा और ऐसे तुम्हारा फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। वो यहाँ उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है जिसमें टेक्सास में होने वाली एक मर्डर की रिपोर्ट थी और ये देखकर मैक्सिम इसलिए डर गई क्योंकि इस मर्डर के पीछे उसका हाथ था। फिर जब वो घर आई तो उसने देखा कि पुलिस डिटेक्टिव उसके भी घर पे हैं। असल में वो उसके कलीग्स के हुए मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसने पुलिस डिटेक्टिव्स के किसी भी सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे उसके पिछले केस में ना फंसा दी। हालांकि इस केस से तो उसका कोई लेना देना नहीं था। क्या वो ब्लैकमेलर भी मैक्सिम को बुरी तरह फंसा चुका था? वो चाहती थी उसके बारे में पुलिस को कंप्लेन कर सकती थी लेकिन उसके बारे में भी उसने पुलिस को कंप्लेन नहीं की क्योंकि अगर वो कंप्लेन कर देगी तो खुद ही फंस जाएगी। खैर अब वो अपने घर से उस टेप को उठाती है जो ब्लैकमेलर उसके घर में छोड़ गया था। इसे लेकर आई वो अपने एक फ्रेंड के पास और उसने कहा कि इस टेप को ट्रैक करो, देखो इसे किसने रिकॉर्ड किया है। इतने में ही उसे उसकी डायरेक्टर की कॉल आती है जो उसे मूवी का सेट दिखाने के लिए लेके जा रही थी। वो सेट देखने के लिए
ये लोग शहर से काफी दूर आ जाते हैं। लोकेशन तो ये काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिन को कोई लड़की विंडो से दिखाई देती है। मैक्सिन जानती थी ये लड़की असल में यहाँ नहीं है, वो सिर्फ उसे हॉन्ट कर रही है, डरा रही है, क्योंकि मैक्सिन ने इसी लड़की को मारा था। यहाँ पर डायरेक्टर मैक्सिन को ये भी बताती है कि प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि मैक्सिन उनकी मूवी में काम करे, क्योंकि मैक्सिन का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं, लेकिन डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है और मैक्सिन से कहती है तुम अपना 100% देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मूवी थिएटर्स में लगेगी और तुम्हारा फेम एकदम से बहुत बढ़ जाएगा। मैक्सिन भी हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो जब यहाँ से अपने घर के लिए निकली तो उसने देखा वही डिटेक्टिव जिसने उसे किसी से मिलने के लिए बोला था वो उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया, वो अपनी गाड़ी से उतरी और उसने उस डिटेक्टिव को मार मार के ये समझाने की कोशिश की देखो मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई अपने मैनेजर के पास, क्योंकि अब बात ऐसी नहीं रही थी कि वो किसी को भी ना बताती। वो अपने मैनेजर को सारी बातें बता देती है कि कैसे एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पीछे एक डिटेक्टिव को भी लगा चुका है, उस आदमी को मेरे सारे पास्ट के बारे में पता है और ऐसे उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे एक्सपोज करके मेरा फ्यूचर तबाह कर देगा। यहाँ पर मैनेजर सारी बात सुनकर उसे ही कहते हैं तुम जाओ, जाकर बस अपनी मूवी की तैयारी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अपने मैनेजर की बात मानते हुए वो उस आदमी से मिलने के लिए नहीं जाती, बल्कि घर पे अपनी मूवी की स्क्रिप्ट याद करने लग जाती है और वो आदमी जो मैक्सिन से मिलना चाहता था मैक्सिन की इस हरकत की वजह से उससे बदला लेने के लिए वो उसके दोस्त को ही मार देता है। उसने ये मर्डर इतने बुरे तरीके से किया था कि हर देखने वाला खौफ में आ जाए। मर्डर करने के बाद वो जाकर डिटेक्टिव की कार में बैठ गया और इससे हमें पता चला कि वो डिटेक्टिव इस आदमी की हर तरह से मदद कर रहा है। अब सुबह हुई और जैसे ही मैक्सिन अपने फ्लैट से नीचे उतरी तो उसे अपने फ्लैट के बाहर इतना नश देखकर झटका लग गया और जब उसे ये पता चला कि उसके दोस्त का मर्डर हुआ है तो वो शॉक ही रह गई। उसके दोस्त की बॉडी पे वही स्टैंप लगाई गई थी जो उसके बाकी दोनों क्लीग्स की बॉडी पे लगाई गई थी। यहाँ अब पुलिस मैक्सिन को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि जिन तीन लोगों का मर्डर हुआ था वो तीनों मैक्सिन के कॉन्टेक्ट में थी और इन तीनों के फेस पे एक जैसे ही स्टैम्प्स थे। पुलिस मैक्सिन से कहती है जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, जितना तुम हमारी मदद करोगे उतनी ही हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, और अगर तुमने हमें कुछ ना बताया तो ये भी हो सकता है कि सीरियल किलर अगली मौत बाद तुम्हें ही मारे, क्योंकि ये तीनों तुम्हारे बहुत करीब हैं और इससे यही साबित हो रहा है कि उस सीरियल किलर का अगला शिकार तुम होगी। फिर मैक्सिन ने अभी भी पुलिस को कुछ नहीं बताया और वो वापस अपने स्टूडियो आ गई जहाँ पर उसकी फिल्म रिकॉर्ड हो रही थी। यहाँ पे उसे मिली उसकी को एक्टर जिसने मैक्सिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और ये यकीन दिलाया कि वो इस मूवी में अच्छा परफॉर्म करने की। ये लोग ज्यादा मूवी को डिस्कस नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरी लड़की को जाना था हॉलीवुड हिल्स की एक पार्टी में। हाँ, लेकिन जाते जाते उसने ये एडवाइस जरूर दी थी मैक्सिन को कि जैसा डायरेक्टर बोले बिल्कुल वैसा ही करना, ये तुम्हारे हक में ठीक रहेगा। अब इससे पहले कि अपना काम खत्म करके मैक्सिन भी यहाँ से चली जाती, यहाँ आ गया वो डिटेक्टिव जो एक ब्लैक मेलर के साथ उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस टाइम डिटेक्टिव के पास एक गन भी थी जिसे डिटेक्टिव ने निकाल लिया। मैक्सिन उसे देखकर डर गई, उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। बचने के लिए वो वापस उसी घर में चली गई जहाँ मूवी की शूटिंग हो रही थी और ऐसा कहते हुए वो सच में बच गई, क्योंकि बाहर से उस डिटेक्टिव को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और अंदर जाने पे मैक्सिन को मिली उसकी डायरेक्टर। मैक्सिन को हामता कामता देखकर वो जानती थी कि मैक्सिन के साथ कुछ तो मसला है। वो मैक्सिन से कहती है बेशक ये वीकेंड ले लो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करके आना, क्योंकि मैं अपने काम में किसी भी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त नहीं करती। मैक्सिन ने उसकी बातों को अपने दिमाग में बिठा लिया था और अब ये बिठा लिया था कि वो इस सब चीजों को खत्म करती रहेगी। वो रात में एक पार्टी में जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव पहले से ही मौजूद था। मैक्सिन ये जानती थी कि डिटेक्टिव यहाँ पर भी उसका पीछा करता रहेगा, इसीलिए वो उसे अपने पीछे लगाकर एक खाली गैराज में ले आई जहाँ पर मैक्सिन का मैनेजर और एक और आदमी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आते ही उन्होंने डिटेक्टिव को बेहोश कर दिया और उसे फिर एक कार में बिठाकर जंक यार्ड में ले गए और वहाँ जाकर उस कार को इस आदमी के साथ ही क्रश कर दिया, जिससे डिटेक्टिव के मरने के सारे सबूत खत्म हो गए और मैक्सिन की लाइफ से एक छोटी सी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। इस सब के बाद मैक्सिन काफी सेटिस्फाइड थी, वो अपने घर आई और शॉवर लेने लग गई। रात का उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन तभी उसे अपनी को एक्ट्रेस की याद आई जिसने उसे बताया था कि वो हॉलीवुड हिल्स वाली पार्टी में जा रही है। उसी पार्टी में जहाँ जाने पर उसकी पिछली दो क्लीग्स की मौत हुई थी और अब हो सकता था कि इसकी को एक्टर को भी वहाँ पे मार दिया जाए। मैक्सिन को ख्याल आता है कि हो सकता है कि वो उस लड़की की जान बचा सके, यही सोचते हुए वो हॉलीवुड हिल्स के लिए निकल जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस डिटेक्टिव्स भी उसका पीछा कर रहे थे। जब वो पार्टी साइट पर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से वापस चली जाती उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज आती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि उसके बचपन की एक वीडियो चल रही थी, वही वीडियो जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। मैक्सिन अब इस कमरे के अंदर चली जाती है, ये वही घर है जहाँ पहले भी उसके क्लीग्स को मारा गया है। हो सकता था कि ये भी उसके लिए कोई ट्रैप हो।
इस टेप को वही ब्लैक मिलर देख रहा था जिसका चेहरा अभी तक पूरी मूवी में हम देख नहीं पाए, जिसने ब्लैक लेदर के कपड़े पहने होते हैं और पहली मरतबा उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि थे मैक्सिन के डैड। अपने डैड को देखकर मैक्सिन स्टिल रह जाती है। ये आदमी काफी सालों से मैक्सिन को ढूंढ रहा था और काफी मेहनतों के बाद अब मैक्सिन खुद चलकर उसके पास आई थी। इसने इतने सारे मरीज क्यों किए, उसके पीछे एक रीजन थी। उसका मानना था कि हॉलीवुड जो हॉरर मूवीज बना रहा है उससे लोगों का माइंड करप्ट हो रहा है और लोग संगीन गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं गुनाहों को रोकने के लिए और हॉलीवुड को एक्सपोज करने के लिए उसने वो सारे मर्डर्स किए और उन सबके मुंह पे एक स्टैंप भी बनाया। मैक्सिन तो यहाँ पर अपनी को एक्ट्रेस को बचाने के लिए आई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसके यहाँ आने से पहले ही मर गई। इसी टाइम उसका पाव निकला एक सूटकेस पे जो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरकर खुल गया और उसके अंदर से निकला उसकी को एक्ट्रेस का कटा हुआ सर। इससे पहले कि मैक्सिन भी यहाँ कुछ समझ पाती, उसके डैड उसे बेहोश कर देते हैं और उसे एक खास जगह पर ले आया जाता है। उसके डैड का मानना था कि मैक्सिम भटक गई थी और उसे वापस रास्ते पे लाया जा सकता है। उसने जितने भी गुनाह किए थे उसके सारे गुनाहों से उसे साफ करने के लिए ये लोग उसका एक्सोर्सिज्म करने वाले थे, इसलिए उसे एक दरख्त से बांध दिया गया था। यहाँ पर उसके डैड के बहुत से फॉलोअर्स भी खड़े हुए हैं और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे पहले कि अब मैक्सिम के डैड उसके मुंह पे भी वही स्टैंप लगा दे जो उसने बाकी लोगों के मुंह पे लगाई थी, यहाँ पर डिटेक्टिव्स आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। मैक्सिम के डैड की तरफ शूट करते हुए वो उसके रातों को नाकाम बना चुके थे और अब यहाँ पे एक हलचल सी मच गई थी। यहाँ डिटेक्टिव की चलाई हुई गोलियों से बहुत से लोग मारे गए, लेकिन मैक्सिम के डैड बचकर भाग निकले। डिटेक्टिव्स भी उसके पीछे भागे और उसे हॉलीवुड हिल्स के साइन के करीब पकड़ लिया गया। यहाँ तक पहुँचते हुए दोनों पुलिस डिटेक्टिव्स बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और मैक्सिम के डैड भी जो जख्मी हो चुके थे वो भी थक कर यहाँ गिर गए थे। मैक्सिम भी अपने डैड को मारने के लिए यहाँ आई थी। इससे पहले कि मैक्सिम अपने डैड को मार पाती ऊपर एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। इसे देखते ही मैक्सिम के माइंड में बहुत से ख्याल जाग उठते हैं, जैसे कि अगर वो अपने डैड को यहाँ इसी वक्त मार दे तो वो सबके लिए एक हीरो बन जाएगी, क्योंकि उसके डैड एक सीरियल किलर थे। उसका ये करना उसकी शोहरत को और बढ़ा देगा, क्योंकि उसने लोगों को बचाने के लिए अपने डैड को मार दिया। सब लोग उसे हीरो मानने लगेंगे और ऐसे किसी भी मूवी बनने से पहले ही वो हिट हो जाएगी और फिर बड़े बड़े चैनल्स पे उसके इंटरव्यू होंगे। ये सब करने के लिए उसे करना क्या था, बस अपने डैड को मारना था और बिना वक्त जाया किए उसने ये कर दिया। उसने अपने डैड का सर क्रश करते हुए उसे मार डाला। सीन कट होकर अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैक्सिम की मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है। मैक्सिम अपनी मूवी के प्रीमियर पे आई है और अपनी सोच के बिल्कुल मुताबिक वो अपनी मूवी के रिलीज होने से पहले ही मशहूर हो चुकी थी। अभी भी उसका इंटरव्यू हो रहा था और उसे हजारों लोग एक साथ सुनने वाले थे। उसकी इस बढ़ती हुई शोहरत को दिखाने के साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।